तो भाई कल की वीडियो के एंड में मैंने तुम लोगों से एक सवाल पूछा था ना कि ये जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच चल रहा है आखिर ये कितने दिन तक चलेगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा या फिर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि 3 दिन से ऊपर ये मैच जाने वाला नहीं है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात क्योंकि भाई मैच देखो तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड वालों का मन ही नहीं है खेलने का। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इंडिया में बास बॉल खेलने आए थे या इंडिया को बास बॉल खिलवाने आए थे। मतलब जिसको देखो भाई इंडिया में रन मार रहा है, जयसवाल भी मार रहे हैं, रोहित भी मार रहे हैं, गिल भी मार रहे हैं, पटिकल भी मार रहे हैं, सरफराज भी मार रहे हैं, मतलब क्यों बाहर किया पाटीदार को। कम से कम एक बीच में 0 वगैरह देखने को मिल जाता है स्कोर बोर्ड में तो थोड़ा सुकून तो मिलता है। वैसे इंडिया में रन तो सबने मारे लेकिन रोहित भाई यार एक बात पसंद नहीं आई कि अब बेन स्टोक्स से आउट हो गए। जून 2023 के बाद पहली बार बंदा बॉलिंग करा रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में और भाई पहली ही बॉल में रोहित शर्मा को ले गया। लेकिन भाई चिंता मत करो क्योंकि रोहित शर्मा ने इस मैच में कहले या फिर इस सीरीज में कहले एक ऐसा कमाल कर दिया है कि भाई सीरीज के खत्म होने के बाद इंग्लैंड वाले रोहित शर्मा से जितना हो सके दूर ही रहेंगे। अब रोहित शर्मा ने क्या कमाल करा है वो जानने से पहले भाई तुम्हारे पास है मौका कमाल करने का, पैसा कमा के धमाल करने का, क्योंकि कई बार कह चुका हूं फिर से कह रहा हूं भाई जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का। WPL के ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, बस भाई एकदम अंतिम स्टेज की तरफ अपनी बढ़ रही है WPL, तो ये मौका भाई जो है ना छापने का इसको मिस मत करो। मैं पहले भी कहा था कि भाई WPL में बहुत लोग यहां पे प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, बहुत लोग फैंटेसी टीम नहीं बनाते हैं तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, जीतने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं, IPL में भी जीतने की चांसेस बहुत रहेगी लेकिन WPL में भाई भर भर के चांस होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं अभी के अभी जाओ आंख बंद करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। फ्री में प्रेडिक्शंस आ रही हैं हर मैच की, सिर्फ WPL की नहीं, हर मैच की फ्री में प्रेडिक्शन आ रही हैं। फ्री में उन प्रेडिक्शन को उठाओ, उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके अपनी टीम बनाओ या प्रेडिक्शन करो भाई दिन का अंत होने तक या फिर कहें मैच का अंत होने तक आज के या फिर कहें WPL का अंत होने तक भाई भर के पैसा कमाओ जल्दी जाओ। पर जाने से पहले ये सुन लो कि मैं ये क्यों कह रहा था कि रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया इस सीरीज में या फिर कहें इस मैच में भी या फिर कहें इससे पहले भी जब भी रोहित शर्मा और इंग्लैंड भाई आपस में भिड़े हैं रोहित भाई कुछ ऐसा कमाल करते ही करते हैं कि इंग्लैंड की सच में फटके हाथ में आ जाती है। क्योंकि भाई बात अगर 2021 की सीरीज की करें तो वहां भी रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 345 रन मारे थे। उसके बाद उसी साल जब इंडिया और इंग्लैंड एक बार वापस से भिड़े थे तो वहां भी रोहित शर्मा ने 368 रन मारे थे। और फिलहाल भाई 2024 में जब एक बार फिर से इंडिया और इंग्लैंड आपस में सीरीज खेल रहे हैं रोहित भाई 400 पार रन मार दिए हैं और साथ में अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को धूल भी चटा दिए हैं, तो फटेगी ना आने वाले वक्त में इंग्लैंड की रोहित शर्मा से, क्यों नहीं फटेगी। बाकी मैं ये भी बता दूं कि आज के दिन रोहित शर्मा ने जैसे ही शतक जड़ा तो वो तीसरे इंडियन बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक मारने वाले, क्योंकि पहले नंबर पे तो हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर आते हैं जिन्होंने 100 शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे। दूसरे पे किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली आते हैं जिनके नाम 80 शतक है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अब तीसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 48 शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ दिए हैं। चौथे नंबर पे भी अपने ही देश के राहुल द्रविड़ आते हैं, उनके नाम भी 48 शतक हैं। लेकिन भाई द्रविड़ जो है रिटायर हो चुके हैं, वो अब और शतक नहीं मार सकते हैं, पर रोहित भाई तो भी मारते जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर हम ये कंपेयर करें कि जितने प्लेयर्स करेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं उनमें आखिर रोहित शर्मा किस नंबर पे आते हैं जब पता जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक मारने की, तो भाई पहले नंबर पे तो अपने कोहली भाई ही आते हैं क्योंकि 80 शतक मार रखे हैं। उनके आसपास कोई भटक सकता है क्या, कोहली भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, कोहली भाई। लेकिन फिलहाल भाई बकचोदी कम करते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में कौन है, तो वो है डेविड वार्नर जिनके नाम है 49 सेंचुरीज, 49 शतक उनके नाम है। फिर तीसरे पे अपने रोहित भाई आ चुके हैं करेंटली एक्टिव क्रिकेटरों की लिस्ट में क्योंकि उनके नाम जैसा मैंने कहा 48 शतक हो चुके हैं। चौथे नंबर पे जो रूट है जो जस्ट 1 शतक पीछे है क्योंकि उनके नाम है 47 शतक। और पांचवें नंबर पे है केन विलियमसन, उनके नाम है 45 शतक। इसी के साथ मैं तुमको एक और बहुत ही कमाल की बात बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने WTC हिस्ट्री में अब तक टोटल 54 इनिंग खेली है। इन 54 इनिंग में 7 इनिंग में अर्धशतक जड़ा है और 9 इनिंग में शतक जड़ा है। मतलब WTC में तो बहुत ही खतरनाक तरीके से रोहित भाई डोमिनेट
डोमिनेट कर रहे हैं। खैर डोमिनेशन तो भाई शुभमन गिल का भी देखने को मिल रहा है मात्र 24 की एज में, क्योंकि भाई 24 के हुए हैं और 6 शतक ओडीआई में जड़ दिए हैं, 4 शतक टेस्ट में जड़ दिए हैं और 1 शतक टी20 में भी जड़ दिया है। वैसे भाई एक सच बताऊं, जितना मजा मुझे आज के दिन गिल का शतक देख के नहीं आया, उससे कई गुना ज्यादा मजा मुझे तब आया जब शुभमन गिल ने एंडरसन की एक बॉल पे भाई आगे बढ़ के जो छक्का जड़ा ना एकदम एंडरसन के सर के ऊपर से, भाई गजब शॉट था, इतना शानदार शॉट था कि जो बेन स्टोक्स हैं उनका चेहरा भी बन गया था और चेहरे को अगर ध्यान से देखो तो वो चेहरा यही कहना चाह रहा था, वाह भाई क्या शॉट मारा है, क्लास बहन जोत। और उससे भी भाई जबरदस्त शॉट तब देखने को मिला जब सरफराज ने मार्क वुड को एकदम घुटनों पे बैठ के यूं मारा अपरकट, भाई सेक्सी। अब देखो भाई ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये तो मात्र 1 से 2 दिन में खत्म हो ही जाएगी, पर उसके बाद भाई शुरू होगी कुछ ही दिनों में इंडियन प्रीमियर लीग, तो थोड़ा सा भैया वहां क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि एबीडी विलियर्स आपको आईपीएल 2024 में आरसीबी में शामिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आरसीबी के लिए एज अ प्लेयर भले ही ना खेलें लेकिन बहुत चांसेस हैं कि कहीं उनको कोचिंग स्टाफ में जगह मिल सकती है या फिर मेंटर ही बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एबीडी विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी जहां उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने उनसे कहा है कि जैसी आईपीएल थोड़ा सा करीब आएगी वो चाहते हैं कि एबीडी विलियर्स आरसीबी का पार्ट बने, आके बैट्समैनों को सिखाएं, थोड़ी सी उनकी मदद करें, प्लेयरों को थोड़े से भाई टिप्स वगैरह दें जिससे आरसीबी आईपीएल 2024 में और बेहतर परफॉर्म कर पाए। लेकिन डिविलियर्स ये भी कहते हैं कि अब तक फैब टू प्लेसेस और जो कोच हैं आरसीबी के एंडी फ्लार उनसे उनको कुछ भी अभी तक सुनने को नहीं मिला है, इसीलिए कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए कुछ रोल प्ले करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज तो कंफर्म कर दी है डिविलियर्स ने कि कमेंट्री आईपीएल 2024 में वो जरूर करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक आईपीएल 2024 के लिए 4 आईपीएल टीम्स ने अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है, नई जर्सी जो आईपीएल 2024 में वो पहनेंगे। एक हो गई आपकी एसआरएच जिन्होंने लगभग अपनी पूरी जर्सी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हां वो ऑरेंज और ब्लैक वाला कलर दिख रहा है लेकिन पिछले सीजन में इनके जो ट्राउजर्स होते थे इनके जो लोवर्स होते थे वो भी ऑरेंज होते थे पर इस बार वो ब्लैक होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्सी को सेम टू सेम कर दिया है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो इन्हीं की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप जर्सी पहनती थी, वो सेम जर्सी आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद पहनेगी, क्योंकि इन लोग को लग रहा होगा कि यार वो जर्सी पहन के खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग जीत जाते हैं, क्या पता इंडियन प्रीमियर लीग भी जीत जाए। इससे आगे बढ़े तो एमआई ने भी अपनी जर्सी लॉन्च करी है जो कि लगभग सेम ही दिख रही है, वही ब्लू और गोल्डन कलर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा यहां पे लाइनें वगैरह बनी हुई हैं, थोड़ा सा टेक्सचर बदला है, पैटर्न बदला है, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। सीएसके की बात करें तो पूरी सेम जर्सी है, सिर्फ भैया एक स्टार बढ़ गया है छाती पे क्योंकि पिछले साल एक और टाइटल जीत लिया है, 5 स्टार यहां पे बन चुके हैं 4 की जगह। उसके अलावा पीठ पे भैया एक प्रोमो ऐड हो गया, एक ब्रांड ऐड हो गया है एतिहाद एयरवेज का। उसके अलावा राजस्थान ने अपनी नई जर्सी लॉन्च करी, उनकी जर्सी भी लगभग सेम ही सेम है सिवाय थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है, कुछ वाइट डॉट्स यहां पे ऐड कर दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। इसके अलावा आईपीएल 2024 की कुछ और बड़ी अपडेट्स पे नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आईपीएल 2024 के शुरुआती 2-3 मैचेस मिस कर सकते हैं जो कि है मैथ्यू वेट, क्योंकि उस वक्त वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे शेफील्ड शील्ड नामक ट्रॉफी में जहां फाइनल वगैरह चल रहा होगा, तो ऐसे में मैथ्यू वेट आईपीएल 2024 के शुरुआती 2-3 मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वैसे गुजरात टाइटंस पता नहीं उनको खिलाना प्रिफर करेगी भी या नहीं करेगी शुरुआती मैचेस में, लेकिन कर भी सकती है क्योंकि बहुत से प्लेयर्स गुजरात टाइटंस के इस बार ऑलरेडी आईपीएल से अपना नाम खींच चुके हैं। इससे आगे बढ़े तो आईपीएल 2024 में लोग सीएसके की बैटिंग डेप्थ को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हाल ही में रणजी ट्रॉफी में तुषार देशपांडे ने सेंचुरी मार दी थी, शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी मार दी थी, और भाई कल के दिन क्या देखने को मिलता है कि दीपक चहर जो है वो भी नेट्स पे बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई ये जो बॉलर इतने ज्यादा बैट्समैन बन गए हैं इस चक्कर में ये बॉलिंग ही करना भूल जाए, क्योंकि मैच सिर्फ बैटिंग भरोसे नहीं जीता जाता है, बॉलिंग बराबर चाहिए। तो चहर भाई यार थोड़ा बॉलिंग पे फोकस करो, आप सीएसके के वन ऑफ द मेन बॉलर होने वाले हो लेकिन आप तो इस वीडियो में मस्त भाई बैटिंग कर रहे हैं। मैं बता दूं ये जो वीडियो
वीडियो है ये दीपक चहर की बहन मालती चहर ने पोस्ट करी, क्योंकि इस वीडियो में जो बॉलर है वो असल में दीपक चहर की बहन मालती चहर ही हैं जो उनको बॉल फेंक रही हैं और दीपक चहर मस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या होगा आईपीएल में ये तो वक्त ही बताएगा कि दीपक चहर ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, या दोनों ही बहुत अच्छी करते हैं, दोनों ही बहुत घटिया करते हैं। जैसा मैंने कहा, वक्त आने दो, पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त पे चहर भाई अगर आपने बॉलिंग अच्छी नहीं करी, बैटिंग जैसी भी करो लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं करी ना, तो यही नाटक हमको याद आएगा कि बंदा मस्त उस समय बैटिंग कर रहा था जब टाइम था बॉलिंग प्रैक्टिस करने का। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से सीएसके के लिए आईपीएल 2024 में सबसे वैल्यूएबल परफॉर्मेंस किस बॉलर की तरफ से देखने को मिलेगी? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और उसी के साथ ये भी बताइएगा कि अब क्या लगता है, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहा है पांचवा टेस्ट मैच, ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा या फिर 4th दिन तक जाएगा? जो भी आपका मानना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड सबसे जरूरी बात, भाई प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। आज का मैच भाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जल्दी से जाओ और मस्त भाई प्रेडिक्शन उठा के अपनी टीम बनाओ या फिर जाके प्रेडिक्शंस करके पैसा कमाओ। क्योंकि भाई देखो, प्रेडिक्शंस के साथ अच्छी बात यह है कि मैच शुरू होने के बाद भी हर मोमेंट के प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, मदद पूरी प्रिंस भाई की तरफ से मिलेगी, सारी प्रेडिक्शंस आ जाएगी उनके टेलीग्राम चैनल पे। जैसे जैसे मैच चलता रहेगा प्रेडिक्शंस वहां पे आती रहेंगी, आपको प्रेडिक्शन उठानी है सही लगे तो उनका इस्तेमाल करना है, पैसा कमाना है, बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी। लेकिन वीडियो पसंद आई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।